आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी फसल के बारे में जिसमें लागत भी कम लगती है और समय भी कम लगता है पर मुनाफा ज़्यादा देती है। इस फसल का नाम है तिल। तिल की खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जानिए इन किसान भाई से। क्या नाम है आपका? जी, तो ये आपने ये फसल जो लगा रखी है तिल की, कब इसकी बुवाई की थी? आषाढ़ मतलब जून। कितने बीघा में आपने कर रखी है खेती? 10 बीघा। 10 बीघा में कर रखी है। 1 बीघा में लागत कितनी आती है? 2000। 1 बीघा में लागत 2000 आती है, मतलब जुताई बुवाई खाद आपका सब जोड़ कर बता रहे हैं। अच्छा, तो ये जो मैं देख रहा हूँ, तो ये कितने महीने में फसल तैयार हो जाती है? 4 महीने। 4 महीने लगते हैं कोई सभी बीज हो? प्रकाश तिल लगा रखी है आपने। कब कटने वाली है फसल? 10 रोज बाद। कितनी लंबाई तक जाता है ये? इसमें जो मुझे दिख रहा है, हमसे 1 किलोमीटर जाते हैं। 6 फुट चला जाता है लंबाई? 6 फुट चली जाती है। 5 फुट। 5 फुट से रहता है। अच्छा, तो अभी अभी कैसी फसल लग रही है आपको? बढ़िया फसल लग रही है। तो क्या लग रहा है कि 1 बीघा में लगभग कितने क्विंटल का निकल आ जाएगा? 1.5 से 2 क्विंटल का बीघा निकल आता है। तो अभी भाव इसका कितना जाता है? पिछले साल 18,000 का था, अब 800 रुपया का। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि 1 बीघा में कितनी लागत आई थी आपकी? 2000 आई थी। 1 बीघा में यदि अगर 2 क्विंटल निकल आता है और 1 क्विंटल का भाव 15 से 18 हज़ार मिल जाता है, तो आपको 4 महीने में ये लगभग अच्छा मुनाफा दे सकती है। तो क्या माने 30 से 40 हज़ार 1 बीघा में आराम से? आराम से। इससे ज़्यादा भी जा सकता है? ज़्यादा जा सकता है। तो जैसे आपने 4 महीने में 1 बीघा में आप 40 से 50 हज़ार रुपये बोल सकते हैं कि मतलब प्रॉफिट हो जाता है इतना? 10 बीघा में बाबा थे। तो 10 बीघा के हिसाब से कितना आपका हो गया प्रॉफिट? 40 हज़ार का बीघा। तो दिक्कतें क्या आती हैं इसमें? कुछ नहीं दिक्कत, पानी की पड़ता है। इस खेती में ज्यादा पानी लगता है कम? पानी ज्यादा लागत है। पानी ज्यादा लगता है। तो वर्षा का यार ये चीज, ये जो खेती आपने कर रखी है इसमें आपके पास कोई बोर और की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था है? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, भगवान व्यवस्था है।